अच्छा जी, आज हम जो है, ये मेरी फेवरेट वैरायटी है दोबारा, फिर वही रात की रानी। आज इसको फिर मैं प्रून करूंगा और आज मैं आपको एडवांस टेक्निक्स भी कुछ बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, इधर सेंटर में इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट आपको नज़र आ रहा होगा। फॉल्ट क्या है कि यहाँ पे पहली प्राइमरी ब्रांच है, देन यहाँ पे सेकेंडरी है, ये थर्ड वन है, पर थर्ड वन के बाद यहाँ पर नहीं है, इसके ऊपर इसी के पैरेलल आगे की फ्रंट टॉप पे ब्रांच आ रही है। तो बेसिकली क्या हुआ है, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड वन, पर यहाँ पर एक ब्रांच का बहुत बड़ा गैप है। अब यहाँ पे पहले इस तरफ ब्रांचेस थी नहीं। अब जो मैंने पहले वो टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहलाती है थ्रेड ग्राफ्ट, एडवांस टेक्निक है। आप यहाँ पे क्लोजअप लेकर आए तो आपको पता चलेगा कि जो ब्रांच ये बनी हुई है, ये ब्रांच बेसिकली यहाँ से ग्राफ्टेड है, यहाँ से थ्रेड ग्राफ्ट किया गया, इसी ब्रांच का एक हिस्सा लेकर यहाँ से इसको ड्रिल किया है, ड्रिल करके यहाँ पर इसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया है। अब इस ग्राफ्ट को अब ये देखें, ग्राफ्ट कामयाब हुई कि नहीं हुई, इसको तकरीबन 1 ईयर हो गया। यहाँ पर जो जहाँ से इसको ग्राफ्ट इन हो रही है वहाँ से ये थिन है, और जहाँ से आउट हो रही है ये थिक हो चुकी है। प्लस इसके यहाँ पे आपको थोड़ा सा बम्प भी नज़र आ रहा होगा, हल्का सा बम्प बना हुआ है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि इट्स कंप्लीट नाउ। अच्छा, मैंने इस फेब के अंदर, मार्च के अंदर इसको थोड़ा सा वीन आउट किया था, मतलब इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ से हल्का सा हाफ काटा था, हाफ काट के छोड़ा था कि देखते हैं कि आया जो ब्रांच है इस ब्रांच के ऊपर कोई असर पड़ा है कि नहीं पड़ा। ये ब्रांच बिल्कुल वैसी ग्रो करती रही है। अब मैं इसको यहाँ से कट आउट करूँगा, इसको यहाँ से सील करूँगा, ये ब्रांच हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से थ्रेड ग्राफ्ट करते हैं। हम यहाँ से एक और ब्रांच को ग्राफ्ट करेंगे, थ्रेड ग्राफ्ट करेंगे, और वो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, अब इसकी प्रूनिंग मैंने कर ली है, अब मैं इसको करने लगा हूँ थ्रेड ग्राफ्ट। अब ये वो शाख है जो मैंने थ्रेड ग्राफ्ट के लिए चूज़ की है। इसमें हम सिंपली ये करेंगे कि जो इसके पत्ते जो यहाँ से निकल रहे हैं बड से, उन पत्तों को सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे। अब मसला ये कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या आप देख सकते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी ग्रो करना शुरू हो चुके हैं। ग्राफ्ट ऐसी शाख को किया जाता है जिसमें अभी बर्ड्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू ना हुए, ताकि ये आराम से जो आपका होल आप क्रिएट करते हो ड्रिलिंग से, उसमें से ये निकल जाए। कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जो है इसको मैं ब्रेक करूँ। अब इसका इसमें ये करते हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट का बर्ड होता है, जो बिल्कुल आपका शुरू की ब्रांच होती है, उसको आप छोड़ देते हो और कोशिश करते हो या तो इस पर कोई प्लास्टिक की बारीक प्लास्टिक रैप की जो प्लास्टिक होती है वो, या कोई ऐसी चीज़ जिससे ये ऊपर का इसका बड कवर हो जाए और आराम से ग्रो थ्रू हो जाए। दूसरी चीज़ जिसको आपने माइंड में रखना है, वो इसके ड्रिलिंग के लिए जो आप बिट यूज़ कर रहे हो वो इसी शाख से थोड़ी सी माइनर सी इससे बड़ी होनी चाहिए, ताकि आपको ग्रो थ्रू आप इसकी आराम से कर सकें। अब मैं इसको ड्रिल कर रहा हूँ, एक दफ़ा मैं देख लूँ फाइनल मुझे ड्रिल कहाँ पर करना है। मुझे यहाँ पर ड्रिल करना है इस जगह पर, बैक साइड से मैं यहाँ से ड्रिल कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रांच जो है वो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से मैं ड्रिल करूँगा और यहाँ से ब्रांच आउट करूँगा। कचरा ना रहे इसके बीच में।
देखो यहाँ से इस तरफ से रखा है। ये गो थ्रू होना चाहिए, मतलब आप यहाँ से देखें अगर सुराख के अंदर देखें तो आपको पीछे से वाइट नज़र आना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये बिल्कुल रेडी है। उसके बाद आपने ब्रांच लेनी है, कोशिश करनी है कि इसके पार्ट जो हैं कम से कम ब्रेक हो। बहुत आराम आराम से कोशिश करनी है आपने कि विदाउट डैमेज, जितना कम से कम डैमेज हो सकता है, ब्रांच जो है वो दूसरे साइड से आउट हो जाए। भाई बिल्कुल देखिए ये नई ब्रांच है, ये मतलब कि इसमें बिल्कुल अभी स्प्रिंग ग्रोथ इसकी है, सॉफ्ट भी है ज़्यादा, मतलब आप इसको बैंड भी कर सकते हैं। हालांकि रात की रानी जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है इसको स्नैप होने का बहुत ख़तरा होता है। बेस्ट ये है कि आप इसको पानी जो है अगर आप इसको नहीं देंगे एक दिन पहले इसको पानी ना दिया हो तब भी ये बेस्ट इसका रिजल्ट होता है। सो मैंने हाथ से ही ऊपर अब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट फुल लेंथ पे आ चुकी है बाहर, अब इससे ज़्यादा मज़ीद ही अंदर नहीं जा सकी। मैं कह रहा हूँ कि ये ब्रांच साथ में जो है वो खींच रही, तो ये यहाँ तक हो गई। अब इस पर एक और काम हम ये करेंगे, ये आम आम चॉपस्टिक होती है या बारबेक्यू स्टिक होती है, ये आप ले लें और इसको आप हाफ में ब्रेक करें। बेसिकली हमने करना ये है कि इसमें जो माइनर से गैप हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके अंदर एक गैप आ रहा है, हमने इसको गैप नहीं रहने देना, हमने इसको ये बिल्कुल साथ में अटैच करना है। तो हम इसको यहाँ पर साथ में ये डाल के फुल लेंथ अब इसमें डाल लें और इसको यहाँ पर इसी तरह बैक साइड पे भी अगर आपको कोई गैप लग रहा है बैक साइड पे भी इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लें साथ में, ताकि ये इसका कैमिबियम जो है वो इसकी ट्री के ट्रंक के साथ जो है इसका कैमिबियम अटैच हो जाए। ये करने के बाद सिंपली आप जो ऑफिस व्यू होती है ऑफिस व्यू या जो आम ये कारपेंटर्स जो हैं वो ग्लू यूज़ करते हैं वो ग्लू ले लें। ये ग्लू तो बिल्कुल जमी नहीं है, और इस ग्लू से इसको सील अप कर दें। जितना अच्छा इसका ये वूंड जो है ये सील होगा उतना अच्छा है, क्योंकि इसकी
यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह और डिजीज़ लगने का ख़तरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, प्लस इसकी रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी होगी। ये आपने इसलिए कर दिया। इसी तरह जहाँ से आपने इसको इंसर्ट किया है उस एरिए को भी सील कर दिया। दो तरीके हैं, आपने ग्राफ्ट कर लिया है, आप इसको बिल्कुल वाइड छोड़ दें, इसको मीटर, एक मीटर दो मीटर तक इसको बड़ा होने दें, यहाँ तक आने दें, फिर उसके बाद वायर करें। क्योंकि वायरिंग से बेसिकली होता क्या है कि वायरिंग से इसकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, वायरिंग से इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुकती है। अगर आप इसको वाइड छोड़ोगे इसको फुल ग्रो करने दें, मीटर दो मीटर ऊपर होगी, यहाँ से ये थिक होगी, इसका कैनेडियन जो है वो ट्रंक के साथ जो अटैच हो जाएगा। उसके बाद आप इसको 6 मंथ के बाद या नेक्स्ट स्प्रिंग के अंदर कोशिश करें हल्का सा यहाँ से हाफ काट के देखें पहले कि आपकी ब्रांच पे इफ़ेक्ट क्या आ रहा है। अगर उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा तो जून जुलाई के अंदर उसको आप कट आउट कर दें, आपकी ब्रांचिंग जो ब्रांच होती है वो कम्प्लीट हो गई होती, ग्राफ्टिंग कम्प्लीट होती है। तो यहाँ से ये आप इसका ओवरऑल इधर इधर से आप दिखा दें। प्रूनिंग के बाद ये इसका ओवरऑल लुक है। फर्स्ट ब्रांच हो गई, सेकंड ब्रांच हो गई, थर्ड ब्रांच हो गई, ये हमने भी ग्राफ्ट की, फोर्थ यहाँ पर आ जाएगी सामने, ये फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ एंड देन एपेक्स, ये इसका एपेक्स हो जाएगा। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ट्री बनेगा इन नेक्स्ट ईयर एंड। थैंक यू।